हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ। कोई ये नहीं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये आप करोगे तो आपको एडमिशन अच्छे से मिल जाए, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई टिप्स एंड वो बोलते ना हैक्स नहीं बताने वाला आपको कि ये सब लगा के आप एडमिशन ले लोगे। यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की आपको प्रैक्टिस, आपकी स्किल्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा महंगा मटेरियल खरीद लिया, महंगे सब आपने क्लासेस ले लिए। क्लासेस का एक बार बोल सकते हैं, क्लासेस आपको लेना चाहिए अगर आप CET एग्ज़ाम देखो। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैंने पहले बता देता हूँ, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें आपको CET का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अब आपने वीडियो क्योंकि क्लिक किया है तो आपको ये जानना ही है कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिलना बहुत टफ होता है, ठीक है। देखो, टफ नहीं होता है, आप चीज़ को समझो, एडमिशन मिलना टफ नहीं होता है, एडमिशन मिलना ईजी होता है। बस मेन चीज़ क्या होता है पता है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सीट बहुत कम है, इसी की वजह से सबको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड कैंडिडेट को लगता है कि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मिलना तो एडमिशन मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिलना बहुत, ये नहीं कि आपको मिल ही नहीं सकता, आप बहुत आपको हाई क्लास होनी चाहिए या कुछ मतलब एक हाई लेवल का आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीट्स बहुत कम होती है, मेन चीज़ ये है। एंड गवर्नमेंट कॉलेज है तो सीट समझ सकते हो आप बहुत ही है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप, इसका एक और प्लस पॉइंट है कि वहाँ इसकी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की फ़ीस बहुत कम है, तो इसीलिए मेन क्या है कि सब लोग। एंड जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स अगर देखा जाए तो इंडिया की बात करें या सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एक ऐसा कॉलेज है जो हर एक कैंडिडेट प्रिफर करता है, ठीक है। अगर आप वो फाइन आर्ट्स करना चाहता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो वो जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स को ही प्रिफर करता है। अब आपको एक क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। देखो, BFA होता है, उसमें बहुत डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट इन अ सेंस जैसे एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। पेंटिंग होता है, स्कल्पचर होता है, मेटल वर्क होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है, सिरामिक होता है, इंटीरियर डिज़ाइन होता है, एंड अप्लाइड आर्ट होता है। तो इतने डिपार्टमेंट होते हैं, एंड इतने डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं होता, मतलब कौन सा फील्ड पेंटिंग अच्छा होता है, स्कल्पचर अच्छा होता है, टेक्सटाइल अच्छा होता है, ये सब के बारे में हम वीडियो कभी और में डिस्कशन करेंगे, कभी और एक सेपरेट वीडियो का। तो अब आपको एक आइडिया हो गया रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर डिपार्टमेंट भी देखा जाए तो जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ही है। अब बात करते हैं, आप CET एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है चैनल पे, आप एक बार अगर टाइम मिले तो आप जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको टाइम मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, एंड कंपेयर कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन करने के तो आप वहाँ पे मुझे आराम से इजीली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो अब आपको एक क्लियर आइडिया हो गया है। एंड ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि आप इतना आपको नॉलेज हो गया है ना कि कैसे चीज़ें काम करती है। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सीट बहुत कम होता है, देखो सीट जनरल के लिए बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो आपको, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपको इजीली एडमिशन मिलने के, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका स्कोर डिजर्विंग आप हो, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में अगर टॉप में आते हो, टॉप 20 कैंडिडेट में अगर आ जाते हो, टॉप मतलब 50 कैंडिडेट, टॉप 50 कैंडिडेट के अंदर भी अगर आप आ जाते हो, तो आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपको जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट आपको मिल ही जाएगा। एंड वो उस हिसाब से भी कैसा होता है ना, हर एक कॉलेजेस CET एग्ज़ाम जब होता है ना, ये सब प्रोसेस जब स्टार्ट होता है मेरिट लिस्ट लगने का, तो एक सीट मैट्रिक्स करके एक चीज़ होता है, वो हर एक मतलब CET सेल एक डिस्प्ले करता है, मतलब या पब्लिश करता है अपने वेबसाइट पर। तो 2021 का आपको देखना रहेगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन आपको CET एग्ज़ाम देते हो जो भी स्कोर आता है, तो फिर समझ लो आप जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कितना एक डिपार्टमेंट, जैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट कितना सीट, कौन से कैंडिडेट के लिए, जैसे ओपन के लिए कितनी सीट है, रिजर्वेशन के लिए कितनी सीट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट लोगों के लिए कितनी सीट है, डिफेंस के लिए, फिर कोई EWS सब के लिए, जितने भी टाइप के मतलब रिजर्वेशन होते हैं, एंड जनरल के लिए,
कितने सीट्स होते हैं, ये सब के बारे में एक वो होता है। तो उस चार्ट को आप समझ सकते हो कि हाँ आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, अगर आप जनरल से हो, अगर आप टॉप लिस्ट पे आ जाते हो, ठीक है, आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार आप सीट मैट्रिक्स देख लेना तो आपको काफ़ी कुछ और आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट हो, अगर आपका टॉप 20 में अगर आप आ जाते हो, टॉप 50 में नहीं ऐसे बोला, बट अगर आप टॉप 20 में आ जाते हो, टॉप 10 में आते हो, तो फिर आपका सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आप सिलेक्ट करोगे कॉलेज को, ठीक है, एंड आपको वो डेफिनेटली है कि आपको वो सीट मिलना ही मिलना है जिस स्कूल ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। अगर आप कुछ भी पेंटिंग करना चाहते हो, स्कल्पचर करना चाहते हो, टेक्सटाइल करना चाहते हो, इंटीरियर करना चाहते हो, मेटल वर्क, सिरामिक अप्लाइड, ठीक है, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। फिर क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ के रखो कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, सीटी एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। सीटी एग्ज़ाम कैसे देना है वो सब के बारे में अगर आपको नहीं डिटेल रहे पता रहेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो आराम से आ जाएगी, उसके लिए आपको कोई इशू नहीं है। चैनल पे है, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन को कभी भी आप यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अभी जो मैं वीडियो में अब तक मैंने जितना भी बनाया, ठीक है, अब तक जितना भी मैंने वीडियो में बातें की है, इस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत लोगों के पास फ़ोन नंबर भी, अगर आप ऐसा लगे कि आपको कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है ना, अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इस फील्ड के बारे में मैं आपको कोई भी रहेगा तो हमको मैं हमेशा आपकी मैं मदद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने यही सोच के मैंने ये वीडियो को, इस टॉपिक को कवर करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो होप सो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। एक बार मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। आप सीटी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, फिर रिजल्ट लगेगा, ठीक है, फिर रिजल्ट लगने के बाद, ठीक है, जगह सपोज आपको तो 190 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 190 मार्क्स में से अगर आपको 100 मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है, फिर अगर आपने इंटरमीडिएट दिया रहेगा, मतलब इंटरमीडिएट दिया रहेगा तो इंटरमीडिएट के ग्रेड के हिसाब से आपको 10 6 4 मार्क्स कुछ ऐसे ऐड होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर आपको समझ लो ए ग्रेड आया था, ठीक, ए ग्रेड का आपको 10 मार्क्स और ऐड होगा 100 मार्क्स में, तो आपके स्कोर फिर फाइनल स्कोर हो जाएगा 110, ठीक है। बट फाइनल स्कोर जब 110 होगा तो जो 190 था वो 190 से हट गया, वो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका समझ लो 200 में से आपका कितना मार्क्स आया था, ठीक है, फाइनल जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे ऐसे होता है। तो आपको समझ लो जितना अच्छा हो सके, कम से कम आपको एक टारगेट रखो कि आपको स्कोर कम से कम 150 के ऊपर ही करना है, ठीक है, 150 के प्लस ही आपको स्कोर करना है। अब वो कैसे स्कोर करोगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, मेरे से कुछ टिप्स चाहिए रहेगा। देखो मेरा भी बहुत ज़्यादा नहीं आया था, मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में 96 आया था, ठीक है, बिना किसी इंटरमीडिएट के मार्क्स के बिना ऐड की, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट नहीं दिया था, ठीक है। अगर मैंने इंटरमीडिएट दिया होता था तो मेरे ग्रेड और भी बढ़ सकते, मार्क्स और भी बढ़ सकते, तो वो सब कभी और बात। तो आज की इस वीडियो को अभी मैं एंड करता हूँ। कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा, ठीक है, आज जो मैंने बताया इस वीडियो में, इस वीडियो को लेके कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जिस स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन मिलना बहुत ईजी होता है, मुश्किल बस जनरल कैटेगरी के लिए होता है, बट अगर आप स्कोर आपका अच्छा होता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपको आपकी सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप इस चीज़ को समझो, एंड आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है। आपको अगर बहुत पांच ही सीट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट जैसे पेंटिंग में अगर पांच ही सीट है तो आपको तो एक ही चाहिए ना, तो आप उस हिसाब से मेहनत करो। ज़रूरी नहीं कि आप टॉप 20 में जितने भी कैंडिडेट आए थे उनको पेंटिंग ही चाहिए, तो इस चीज़ को समझो। एंड कोई इशू नहीं है, आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर का भी हर एक जितने भी स्टूडेंट थे सब लोग अभी भी उस ग्रुप में हैं, वहाँ पे आप डिस्कशन जो भी हुआ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि कभी भी सीटी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू।